हंडिया में मतदाताओं में दिखाया सुस्ती, 52% मतदान। जी हाँ, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के 258 विधानसभा हंडिया में लगभग 52% मतदान हुआ, जबकि प्रतापपुर में लगभग 55% मतदान हुआ। हंडिया में कुल 4,04,000 मतदाता, 213 मतदान केंद्र और 438 बूथों पर मतदान प्रक्रिया चला। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक रहा। ढेड़ा गांव में जल निकासी की समस्या को लेकर गांव के लोगों ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया। लगभग 2 घंटे तक मतदान रुका रहा। उप जिलाधिकारी हंडिया के आश्वासन पर 2 घंटे विलंब से मतदान प्रक्रिया शुरू हुआ। ईवीएम की खराबी की वजह से 5 बूथों पर लगभग 2 घंटे मतदान बाधित रहा। प्राथमिक विद्यालय ढंडेहरी का बूथ संख्या 191, प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीपुर की बूथ संख्या 296 तथा प्राथमिक विद्यालय चक्रपाली का बूथ संख्या 438, प्राथमिक विद्यालय सेवा व प्राथमिक विद्यालय नीमी थरिया के ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान 2 घंटे देर से शुरू हुआ। उप जिलाधिकारी हंडिया द्वारा ईवीएम मशीन बदलने पर मतदान प्रक्रिया शुरू हुआ। प्राथमिक विद्यालय जगुआ धनुपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता उदेश तिवारी ने अपने पत्नी के साथ मतदान करके लोगों से ज़्यादा संख्या में मतदान में भाग लेने की अपील किया। वहीं प्राथमिक विद्यालय अड़नी धनुपुर में ब्लॉक प्रमुख ज्योति यादव ने अपने साथ काफ़ी संख्या में महिलाओं को लेकर बूथ तक आई और मतदान किया। साथ ही साथ लोगों से मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील किया। 257 विधानसभा प्रतापपुर का प्राथमिक विद्यालय सेवना आदर्श बूथ था। ग्राम प्रधान द्वारा बूथ को अद्भुत तरीके सजाया गया था। ग्राम प्रधान शकुंतला देवी पांडे, पत्नी अभय कुमार पांडे ने बूथ पर आकर मतदान किया और गांव के लोगों से मतदान में भाग लेने की अपील किया। 258 विधानसभा हंडिया का ये पोलिंग है, अड़नी गांव है जहाँ की बूथ है, और ये बूथ इसलिए भी अहम है चूँकि यहाँ की महिला ब्लॉक प्रमुख धनुपुर ब्लॉक प्रमुख ज्योति यादव जी है, और जो अभी अभी वोटिंग करके बाहर आ रही हैं और बूथ के ठीक सामने मुलाकात हुई हमारी की वोटिंग करके। वोट आपने डाल दिया? जी, हमने अपना मतदान डाल दिया। और वोट डाल के आप चूँकि प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और महिला होने के नाते, लेकिन वोट डालते समय आपके भी अंदर कोई मुद्दा होगा कि किस मुद्दे का आपने वोट किया? एक्चुअली हमारा मुद्दा यही है कि हमने विकास को वोट डाला है, देश की उन्नति को वोट डाला है, यूपी का विकास होगा उस पर वोट डाला है, और हम बालिकाओं की जो शिक्षा सस्ती होगी उस पर वोट डाला है, देश का विकास हो और तरक्की हो यही कामना करते हैं। प्रमुख जी, चुनाव भी है कि हमने लगभग कई पोलिंगों पर हम लगभग टहल के आए हैं, महिलाओं का मतलब वोटिंग परसेंट जो दिखाई दे रहा है कम दे रहा है, लेकिन क्या खासियत है चूँकि आपके पोलिंग पर महिलाएँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? महिलाएं मेरे तरफ की महिलाएं ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, और मैं अपने साथ ही अपनी गाड़ी से 7-8 महिलाओं को लेकर आई हूँ। सबका ये है कि भाई मैं उनकी एक तरह से बहू हूँ, तो उन्होंने मेरी बात को माना है और सबसे पहले उन्होंने मतदान करना जरूरी एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, आपने किन मुद्दों पर वोट किया? हमने विकास के मुद्दों पर वोट किया है और देश की तरक्की पर वोट किया है। और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? हम कहना चाहेंगे कि अपना बहुमूल्य वोट आप उसी सरकार को दे जो आपका विकास करे, आपकी उन्नति करे, आपका आपके सुख दुख में शामिल हो। खासतौर पोलिंग पर जी, अपने पोलिंग बूथ पे अवश्य। यही अड़नी पोलिंग पर जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, और इसी बूथ पर हमारे साथ कुछ वोटर हैं जो कि वोट डाल दिए आप लोग, दिखाइए, ये सब वोट डाल दिए हैं और देखिए सब लाइन पे खड़े हैं और सब युवा हैं, इनसे बात कर रहे हैं। क्या मुद्दा था इस बार, आपने किस मुद्दे को वोट किया? बेरोजगारी और महंगाई पे 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकली, इस वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, और किसान जो है जो छुट्टा सान टूटे हुए थे उससे परेशान थे, वो मुद्दा था। आप क्या मुद्दा था, 21 पर आप लोगों ने वोट किया? बेरोजगारी पर आप लोगों ने वोट किया, यही चीज़ें हैं बेरोजगारी। और मेरा हम लोग आर्मी से हैं, आर्मी की भर्ती तैयारी करते हैं, तो आर्मी की वैकेंसी 3 साल से नहीं निकली, इसलिए हम लोग लोगों ने बेरोजगारी पर आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली, इस पर आपने वोटिंग किया है, ये है मुद्दा। हाँ, और कुछ किसी का मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा है हम लोगों का, क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था, आज तक कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, हम लोग बेरोजगारी चालू है। इस मुद्दे पर विकास कुमार यादव एडवोकेट हाईकोर्ट। तो ये स्थितियाँ हैं यहाँ बूथ की, लगभग जिस बूथ पर जाइए अगर नौजवान मिल रहे हैं तो नौजवान यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है,
या ये कह लीजिए कि और तमाम कुछ ज़मीनों पर जो मुद्दे हैं उनको भी उठाए जा रहे हैं, महिलाएं भी तमाम कुछ मुद्दे उठा रही हैं, ऐसे ही क्रियापद किया पोलियो पर चल रहे हैं, ये सब वोट करके आए हैं। कुल मिलाकर के कुछ लोग वोट देकर आए हैं, जैसे हमारे साथ इस समय ये जाने माने परिचित परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं हंडिया विधानसभा से अवधेश तिवारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वोट दे आए आप? जी, हमने वोट किया है। आप चूँकि वोटर है, एक वोटर हैसियत से आपने वोट किया है, क्या मुद्दा था आपके मन में? देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो सरकारें चल रही हैं उनकी जो कार्य योजना है उस पर लोग वोटिंग कर रहे हैं और हमने भी उस पर किया है। यहाँ की जो कार्य पद्धति है सरकार की उस पर हमने वोट किया है, विकास कार्यों पर। तो विकास पर आपने वोट किया है, फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ, मतलब क्या माहौल है? यहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी और कम से कम 55-60% से कम वोट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की लड़ाई है, मतलब इसमें जो सहयोगी दल जो दोनों और वोट कराए आप? जी, यहाँ सपा और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी। आप भी वोट कराइए। आपका भी मुद्दा क्या है, विकास है कि क्या है? यही जो उनका जो विचार है, विकास मुद्दा। चलो ठीक है, ये थे अवधेश तिवारी जी थे, जो कि लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे और समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और इन्होंने अपना मत देकर आए और अपनी बात को रखा किस देश पर हमने वोट किया है। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से धीरेन्द्र पांडे, हंडिया, प्रयागराज।